अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ बटर ज़ीरा राइस। इसके लिए मैंने 2 कप यहाँ चावल ले लिए हैं। आप अपने इसके अकॉर्डिंग ले लें जितना भी आपको यूज़ में है चावल। अब इनको हम धो लेंगे, अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे, एक दो पानी से अच्छे निकाल के, साफ़ पानी। ये अपने यहाँ चावल धो रहे हैं, अच्छे से मल के पानी, हाथ से अच्छे से चावल धो लीजिए आप। यहाँ चावल धुल चुके हैं। हम यहाँ तकरीबन इनको 20 से 25 मिनट के लिए थोड़े से भिगो के छोड़ देंगे। ये हमारे चावल भीग चुके हैं। अब यहाँ हम डालेंगे थोड़ा सा घी और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे बटर। देखिए हल्का सा घी डाला जिससे हमारा बटर जले ना। अभी हम यहाँ बटर डाल देते हैं। बटर और घी डालने से चावल बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे जायके वाले बनते हैं। आप भी ऐसे ही ट्राई करिए, तेल की जगह घी या बटर से चावल बनाएं। ये घी और तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरे को अच्छे से तड़कने देंगे, अच्छे से तड़क जाए ज़ीरा, लाल हो जाए हमारा। देखिए अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी आप चावल के हिसाब से डालें। यहाँ मैंने 4 कप पानी डाला है। पानी में अच्छा उबाल आने के बाद ही आप चावल डालें। ठंडे पानी में चावल डाल देते हैं तो टेस्ट अच्छा नहीं आता। यहाँ पानी में हमारा उबाल शुरू होने वाला है जब तक हम पानी चावल में से पानी निकाल देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा नमक भी डाल देते हैं। चावल में नमक डाल दिया है। अब देखिए हमारा बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे चावल। चावल अच्छे से मिक्स कर देंगे, हिला देंगे, अच्छे से खटके आ जाए। अपन हम इंतज़ार करेंगे। चावल में हमारी खटके आना शुरू हो चुकी है। हम 2 मिनट के लिए इसे खुला ढक्कन नहीं लगाएंगे, खुला ही पकाएंगे। अब हम इसे ढक देते हैं। तकरीबन 25 मिनट तक हम इसको दम पे छोड़ देंगे। ये हमारे चावल तकरीबन उबल रहे हैं, अच्छे से हो रहे हैं। एकदम कम आंच, धीमी आंच कर दें आप इसकी। बीच बीच में चलाते भी रहें चावल को। पानी देखिए कितना ड्राई हो चुका है। अब हम वापस से ढक्कन लगा के फ्लेम को कम कर देंगे। हम चावल तकरीबन हो चुके हैं 20 से 25 मिनट। अब हम देखते हैं चावल। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे चावल बन चुके हैं हमारे। हम चावल को देख लेते हैं। देखिए हो चुके हैं हमारे चावल। अब हम चावल को हिला देंगे। हिलाने से ये होगा कि चावल एकदम लड्डू के जैसे गठली बन जाती है, वो बनेगी नहीं। अब इनको हिला के अच्छे से हम वापस इनको कवर करके रख देंगे। ये तैयार है हमारे बटर ज़ीरा राइस। आप भी ट्राई करिए और बताइए कैसे लगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।